सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप लोग गूगल फोटो में अपना फोटो सेव करते थे बैकअप के लिए, अपने याद के तौर पे लिए, वहाँ पे बहुत सारे अपने फोटो अपलोड करके रखे होंगे। वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अब वहाँ पे आपको जो है चार्ज लगेंगे, क्योंकि आप गूगल फोटो जो है आपसे चार्ज लेगा। क्योंकि बहुत सारे जब भी आप नया ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ उसमें स्पेस दिए जाते हैं, जो कि आप लोग को 14 GB 15 GB के लगभग आपको स्पेस दिया जाता है, जिससे आप अपना फोटो और जो है गूगल ड्राइव में सब सारे फोटो या कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर रख सकते हैं। इस वजह से जो है अब गूगल फोटो या जो है गूगल ड्राइव में यदि आप लोग का यदि 14 GB जब भी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा तो गूगल को आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोग अपना फोटो अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो आपको एरर आएगा। तो मैं भी गूगल फोटो का यूज़ काफ़ी दिनों से कर रहा था और अब देख रहा हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरा फोटो और वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है गूगल फोटो में। बहुत सारे चीज़ों को अपने से काफ़ी दिनों से अपना जो गूगल फोटो वीडियो सारा सेव कर रहा हूँ। 2008 से लेकर अभी तक की जितनी फ़ोटो आई है मैंने अपनी सारी जितनी लाइफ की जर्नी है गूगल फोटो में सेव करके रखी है। अपने ईमेल आईडी पे जो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है वहाँ पे मैं उसमें सारा अपना जो है गूगल फोटो में फ़ोटो सेव करता था, लेकिन अब मेरे उस ईमेल आईडी में फ़ोटो स्टोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है चार्ज मांगा जा रहा है, पे करना पड़ेगा यदि आपको गूगल फोटो जो अभी अपलोड करना होगा। तो इस पे जो है मैंने सोचा आप लोग को वीडियो बना के बता दिया जाए, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी दिनों पहले ही आ चुका था लेकिन मैंने उस समय बताया नहीं। लेकिन अब आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब सोचा कि ठीक है अपडेट आया लेकिन नॉर्मल फोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कई बार भी आप ट्राई करेंगे हो जाएगा, भी नहीं भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे, एरर आएगा। तो इस वजह से आप लोग जो है गूगल फोटो को अपडेट कर लीजिए और अपना जो है एक बार यदि आपको उसमें यदि स्पेस है तो आप कर सकते हैं, यदि आपका स्पेस फुल हो जाता है तो आपको कुछ पे करने के बाद तो आप फोटो वीडियो अपलोड कर पाएंगे। यदि 130 रुपया जो मंथली लिया जा रहा है 100 GB का और जो है 6000 लिया जा रहा है 2 TB 1 ईयर के लिए, तो आप लोग पे करके ले सकते हैं स्टोरेज, नहीं तो आप नया ईमेल आईडी भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही छोटा एक जानकारी था आप लोग को, मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।